तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सैलरी दिन ब दिन गिर रही है, जिससे विरोधी तो परेशान नहीं है, उनके चाहने वाले ही परेशान हैं। लगातार वे झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने आज एक बड़ा खुलासा किया है और कहा कि यह गुजरात की ओबीसी की लिस्ट है जिसे मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी, बताइए कि आप कहते हैं कि मुसलमान को आरक्षण तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की सरकार दे देगी, मुसलमान को आरक्षण मंडल कमीशन के आधार पर मिल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं एक बार फिर इस लिस्ट के साथ प्रधानमंत्री को पत्र लिखूंगा और आरक्षण को लेकर उन्हें याद दिलाऊंगा। जातिगत आधारित जनगणना हमने कराई और आरक्षण 75% हमारी सरकार ने बढ़ाया, हम लोग आरक्षण विरोधी कैसे हो गए? उन्होंने कहा कि इनको जनता समझ चुकी है, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। इतनी गर्मी पड़ रही है, जब कीचड़ ही नहीं रहेगा तो कमल कहाँ से खिलेगा। आज के चुनाव पर उन्होंने कहा कि चुनाव हम लोग जीत गए हैं। प्रधानमंत्री का दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है और ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा। विरोधी तो छोड़ो, प्रधानमंत्री के जो समर्थक हैं उनको भी उनकी भाषा पसंद नहीं आ रही। ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है, इनको काम की बात करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री को हम सच बोले छोटे हैं, लेकिन संविधान का बेसिक ज्ञान भी नहीं है। ये लगातार कह रहे कि आरक्षण खत्म करेंगे। जरा प्रधानमंत्री से पूछिए कि हमने लगभग 5 बार पत्र लिखा जाति आधारित गणना कराने का पूरे देश भर में। हमारा पूरा डेलीगेशन बिहार का विधानसभा का गया था मिलने, हम खुद 1 घंटा प्रधानमंत्री से बात किए, फिर लिखित में उन्होंने मना कर दिया। बेसिक तो यही था ना भाई, जाति आधारित गणना हो, किसकी कितनी आबादी है उसके हिसाब से सबको आरक्षण मिलेगा, तो उन्होंने तो मना कर दिया। लेकिन फिर भी हमारी 17 महीने की सरकार ने जनता, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई और 75% आरक्षण की सीमा बढ़ी। मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं कि कोई भाजपा शासित राज्य बता दो जहां 75% आरक्षण है। यहां आके झूठ बोलने से काम चलने वाला नहीं है। ये बिहार है, बिहार, बिहार के लोग सामाजिक रूप से बड़े जागरूक समाज है, पॉलिटिकल लोग हैं। यहां आपके झूठ और फरेब से, प्रचार से कुछ काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी, भाषा को सुधारिए, संविधान की बेसिक ज्ञान को समझिए, जानिए। ये वही मोदी जी है ना जिन्होंने आरक्षण को जो है ख़त्म करने का प्रयास किया था सुप्रीम कोर्ट में सॉलिटेयर जनरल खड़ा करके। अभी भी हम लोगों ने क्या किया, जो 75% का था शेड्यूल लाइन में भेजा कैबिनेट में हमारी सरकार ने, लेकिन अब तक उन्होंने नहीं किया है। तो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि मुसलमानों को दे देगा, ये सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात, ये देख लो, प्रधानमंत्री जी का झूठ सामने आ गया है। ये गुजरात में मुसलमान 25 जातियों को आरक्षण मिल रहा है। अब इसमें लिस्ट वाइज नाम भी है जो जो मुसलमान जातियाँ। प्रधानमंत्री जी, आप 13 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, आपको ये नहीं पता कि वहाँ मिल रहा है और क्यों मिल रहा है, इसका भी ज्ञान दे दें हम आपको। मंडल कमीशन के सिफारिशों के बाद जो है ये मिलना शुरू हुआ, और मंडल जब आया था तो आप जो आरक्षण विरोधी यात्रा में अडवाणी जी के साथ सारथी बने हुए थे, तो आपके तो धमनी में ही आरक्षण विरोधी है। प्रधानमंत्री के धमनी में ही आरक्षण ओबीसी एससी एसटी का विरोध है, ये सच्चाई है। ये लोग क्या पाठ पढ़ाई हम लोगों को बताओ, 75% हम लोगों ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? अगर आप लोगों के पास नहीं है पत्रकार भाई, तो थोड़ा ही ले करके थोड़ा पूछो भाजपा वाले लोगों से, और ये मोदी जी को हम पहुंचा देंगे, लिखित में भेज देंगे। जैसे 5 बार पहले हम चिट्ठी लिखे हैं, इस बार भी फिर हम लिख करके उनको हम बता देंगे कि ये उनको ज्ञान होना चाहिए। वो कह रहे हैं लालटेन का रोशनी सिर्फ आपके लिए ही, परिवार के लिए ही रोशनी जलता है, बाकी सब जगह अंधेरा ही होता है। हाँ, 75% आरक्षण बढ़ाए हम लोगों ने,
5 लाख नौकरी दिया हम लोगों ने, हम लोगों ने मानदेय हम लोगों ने बढ़ाया स्वयं सहायता समूह का, हम लोगों ने पॉलिसीज बनाई, तो सबके लिए ना है। प्रधानमंत्री के पास बेचारे हो चुके हैं, कुछ बचा नहीं है बोलने को, कुछ भी उल जुलूल जो है बातें बोल रहे हैं उससे चलने वाला नहीं। इतनी गर्मी हो रही है, जितना पोखर है सब सूख गया है, कीचड़ ही नहीं हो रहा तो कमल कहाँ से खिलेगा।